मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठ जाइए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैंपस टूर होने वाला है जिसमें सारा कुछ का बताएंगे, आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ पे इंक्वायरी होता है, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, सब कुछ दिखाएंगे। लीजिए, आपका भाई आ चुका है आपके सामने। आइए भैया जी, आइए, आपको आज कॉलेज घुमाएंगे। आइए देखिए, यहाँ ये मेरा कॉलेज का गेट हुआ, गेट से अंदर हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे उस कॉलेज के महान शख्सियत जिन्होंने इस कॉलेज की नींव रखी थी, पंडित इंदू शेखर झा सर को। गेट से इंटर करने के बाद सामने यही सर का मूर्ति दिखेगा आप। अगर आप नए हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस जगह की पड़ेगी और ये सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। ये स्मार्ट रूम है कॉलेज का, यहाँ अच्छा हम लोग के क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, कोई भी मतलब आपको दिक्कत है तो यहाँ आके पूछिए। यस, करेगा बात अलग। यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो ये गेट है, मेन गेट वहाँ हुआ, वहाँ से सीधा आइए, इसमें घुस जाइए। और ये हो गया प्रिंसिपल चैम्बर प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद रॉय जी का। हमारे कॉलेज में पोस्ट ऑफिस भी है गाइज, देख लीजिए। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों पीछे में देख सकते हैं सेंट्रल बैंक भी है, उधर पोस्ट ऑफिस भी था, एकदम पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। आइए अकाउंट वकाउंट खोलाइए, यहाँ पे कैंटीन भी है। तो यहाँ BCA BBM BSc IT जो होता है इसका कोर्स है, और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म यानी मास कम्युनिकेशन का ये डिपार्टमेंट है। जाए हैं, भूख लग गया है तो यहाँ आ जाइए, कैंटीन है, दवा के खाइए लेकिन पैसा लगेगा तीन गुना। आइए, और ये हो गया भैया कॉलेज का कैंटीन, इसमें आपको रेस्टोरेंट वाला फील के साथ पैसा भी लगेगा और खाना अच्छा रहा। कैंटीन के जस्ट कोने में है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो ये है गुरु हमारा कॉलेज, आपको वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा ये बताइए, मजा आ रहा है? देखिए आ गया मजा। तो ये साइंस डिपार्टमेंट का, साइंस विषय की पढ़ाई दोस्तों इसी बिल्डिंग में होती है। तो आज हम लोग कैंपस टूर करने वाले हैं कि अभी हम लोग कहाँ पता है, कॉलेज के पीछे वाले गेट पे, सामने भी जाएंगे लेकिन पीछे हम लोग को आए हैं थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। और जब आप अंदर की ओर आइएगा तो आपको दिखेगा फैकल्टी ऑफ लॉ। जी हाँ दोस्तों, छोटा मोटा कॉलेज नहीं समझिए हमारे कॉलेज को, आगे चलते हैं। और ये दिनकर भवन है, दिनकर भवन में किस डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है? तो वो होती है दोस्तों मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। जो भी कोर्सेज आप फिल्मों में देखा करते होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना करते होंगे दोस्तों, उन सभी की पढ़ाई हमारे कॉलेज में होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ, इसके आगे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ बोटेनी है। और ये कॉलेज का इंटीरियर आप देख सकते हैं, कितना सुंदर सा हमारा प्यारा कॉलेज है। और ये इलेक्ट्रिक सेंटर से पीछे की गेट निकलती है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कॉलेज खत्म होता है। और अभी जिस बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जहाँ से ये बाइक साइड से गई है, इस बिल्डिंग में लाइब्रेरी है। जी हाँ, ये वही लाइब्रेरी है जिसमें एकांत का समय मिलता है, सब कुछ मिलता है सुविधा, और आप पढ़ सकते हैं शांति से, फ्री में लाइब्रेरी मिलती है दोस्तों। आगे लॉ की फैकल्टी है, इसमें लॉ की पढ़ाई होती है जो वकील की होती है, इन सभी चीजों की। और ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोटेनी एंड बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसी बिल्डिंग में इस डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है। और इसी से ठीक साइड से थोड़ा सा अगर आप आगे चलते हैं तो बहुत ही प्यारा सा चीज दिखता है। ये दोस्तों हमारे कॉलेज का बोटेनिकल गार्डन है, इसको आप देख सकते हैं। बताइए क्या क्या है हमारे कॉलेज में, बहुत कुछ है। इस बगीचे में दोस्तों रसीले पौधे, जड़ी बूटी के पौधे और दुनिया के अलग अलग विभिन्न जो विशेष पौधे होते हैं उन सभी का यहाँ पे मिलेगा आपको। और कुछ विशेष पौधों का सर्वाइवल देने के लिए ग्रीन हाउस लगाया गया है दोस्तों। और ये है वाणिज्य सभागार जिसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के सभी फेयरवेल और सारे कार्यक्रम होते हैं। और ये हो गया दोस्तों स्टेज जिसमें परफॉर्मेंस होती है। और इसके जस्ट फ्रंट में जो है ये फील्ड कह लीजिए, यहाँ पे खेलकूद की सारी व्यवस्थाएं दी गई है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, और बच्चे खेलते, बच्चे नहीं मतलब दोस्त लोग सारे खेलते भी है। मन न लगे तो इस स्टेज पे आप भी आके बैठ सकते हैं जैसे ये सारे बैठे हुए। सबसे अहम जो इस कॉलेज की खासियत है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, यही है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, इसमें 11th 12th से लेके BCOM तक की पढ़ाई होती है। ये था हमारा सुंदर सा प्यारा कॉलेज, अगर आपका भी सौभाग्य प्राप्त होता है इसमें एडमिशन का तो जरूर करवाए और आनंद उठाए पढ़ाई का। अगर आपको प्यास लगता है तो यहाँ पे ये पानी का भी सुविधा है थोड़ा, लेकिन पीने के लिए पानी का भी सुविधा कहने। और छात्र नेता का भवन भी छूट गया है, उसको भी ये दिखाते हैं। ये हुआ स्टेज, इसके पीछे में जो वो जो है दोस्तों, और ये है छात्र संघ कार्यालय। उम्मीद करते हैं पूरा काजी कॉलेज दिखाए ना आपको। आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, विनती है आपके छोटे भाई का, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।